हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्रिएटिविटी एंड किचन विद मी। आज हम बनाएंगे बच्चे का शूज। ये देखिए, एक शूज हम बना चुके हैं, दूसरा हम आपके सामने बनाएंगे। अभी ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद शूज बनाएंगे। बच्चे के पैर की ड्राफ्टिंग हमने कर ली है। बच्चे की पैर की हाइट आई है, लंबाई 5 इंच, 5 इंच आई है, और इसको 20 से डबल कर लिया है, और इसकी चौड़ाई आई है पंजे की 1.5 इंच, डबल करने पर 1.5 इंच आई है। अब हम ऊपर के हिस्से की ड्राफ्टिंग करेंगे। एक पेपर लेंगे, पेपर को 20 से मोड़ देंगे। नीचे वाले की हाइट आई थी 5 इंच, इसकी हाइट रखेंगे 5.5, आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 5.5 पर ड्राफ्टिंग पे निशान लगा देंगे। और चौड़ाई आई थी 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। पे ऊपर 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब 2.5 इंच नीचे मार्क कर लेंगे। अब इसको शेप देते हुए मिला लेंगे। इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से शेप देते हुए ऐसे मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे। अब ऊपर का हिस्सा पंजे को ढकने का बनाएंगे करीब 2.2 पे मार्क कर लेंगे, 2.2 पे, और आधा इंच यहाँ पे लेते, 1.25 इंच लेते हुए ऐसे मार्क कर लेंगे, और इसको ऐसे गोलाई से मिला देंगे। गोलाई लेते हुए ऐसे मिला देंगे। अब इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको कट कर दिया है। अब इसकी लंबाई हम ऐसे नाप ले लेंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से करते हुए इसे ऐसे नाप लेंगे। पूरे पार्ट को नाप लेंगे, 6.5 इंच आ रही है। अब इसको भी हम बाहर वाले हिस्से को भी ऐसे ही नाप लेंगे। ये ऊपर वाला है, इसको भी हम ऐसे नाप लेंगे। ये भी 6.5 आ रही है। तो लेंगे और कपड़े की उल्टी साइड ड्राफ्टिंग कर लेंगे। 2 पीस इसके, एक ये हम कर चुके हैं 2 पीस ड्राफ्टिंग, और 2 पीस इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे इस तरह से और इस तरह। हमने 4 पीस काट लिए हैं, 4 पीस काट लिए हैं, और 2 फॉर्म के, एक इसका और एक इसका जो है फॉर्म काट लिया है बीच में लगाने के लिए। ये एक पैर की ड्राफ्टिंग है, दोनों पैर की ड्राफ्टिंग के लिए इसके 4 पीस और इसके भी 4 पीस करने पड़ेंगे। ये एक पैर की ड्राफ्टिंग है। अब हम ऊपर वाले हिस्से को सीधा रखेंगे, उल्टा साइड नीचे और जो है ये सीधा पार्ट ऊपर। फिर दूसरा वाला हिस्सा लेंगे, उसको भी, उसको सीधा वाला हिस्सा इस सीधे वाले हिस्से से मिलाते हुए ऐसे रख देंगे इस तरह से। इस तरह से मिलाते हुए रख देंगे। फिर ये जो फॉर्म काटा है, इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से पूरी सिलाई कर देंगे इस तरह से, और बाहर वाले हिस्से पे अभी नहीं करेंगे, केवल अंदर वाले हिस्से पे इस तरह से सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद फिर दिखाते हैं।
ये देखिए हमने सिलाई कर दी है, ये पूरी सिलाई हो गई है। अब जो है अगर हम इसको खोलेंगे तो ये दोनों पार्ट सीधे आ जाएंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। उससे पहले यहाँ पे हम कट लगा देंगे, यहाँ पर कट लगा देंगे। जी देखिए इस तरह से कट लगा देंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। उससे पहले अब हम इस जॉइंट को और इस जॉइंट को ऐसे रखते हुए इस तरह से ऐसे इस तरह से यहाँ तक सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद दिखाते हैं आपको। अब हमने हील के साइड यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर दी है, इसको हम खोल के इस तरह से मोड़ देंगे। अब ये हमारे ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। अब इस पे सिलाई मारेंगे, इस राउंड पे ऊपर वाले जिसमें से लेग डाला जाएगा उस वाले हिस्से पर ऊपर से ऐसे सिलाई कर देंगे अच्छे से इसको सेट करते हुए। ये देखिए हमने इस साइड ऊपर से सिलाई कर दी है। अब ये पार्ट ऐसे रेडी हो गया है। अब हम जो है इसके नीचे का हिस्सा लेंगे, ये ऐसे इसको सीधा रखेंगे इस तरह। पहले हम इस पे बीच में सेंटर में कट कर देंगे, ये फोल्ड करके इधर से यहाँ और इस साइड से यहाँ ऐसे कट कर देंगे। इसी तरह इससे पीछे का सेंटर तो हमें सिलाई से पता चल जाता है, इस वजह से केवल इसमें आगे का सेंटर लेंगे। आगे का सेंटर ये ले लिया और यहाँ पे कट कर दिया। अब इस पार्ट को ज्वाइन करेंगे। अब ये सीधा रखेंगे और ये भी सीधा रखेंगे, इस कट से सेंटर वाले कट से इस कट को मिलाते हुए ऐसे पूरा सिल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारा सूट सिल गया है, चारों तरफ से हमने सिल दिया है चारों तरफ से। आप इसका दूसरा पार्ट, ये सीधा वाला अंदर को ऐसे और उल्टा वाला ऊपर इस तरह से, इस तरह है, ये सीधा है ये भी सीधा है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर एक फॉर्म रखेंगे जो कट किया था। अब इसको ऐसे सिल लेंगे पूरा, बस इस जगह पे या किसी भी थोड़ी सी जगह पे छोड़ देंगे जो नहीं सिलेंगे और बाकी सारा स्टिच कर देंगे, थोड़ा पार्ट इसका छोड़ देंगे पलटने के लिए। ये वाला पूरा पार्ट सिल गया है, ये वाला भी। अब इस जगह से थोड़ा सा खुला है, इसी जगह से इसे हम पलट देंगे। ये देखिए सीधा हो गया है, इस जगह से हमने इसको पलटा था, अब इसको भी सिल लेंगे। सुई की मदद से ये हम पूरा इस जगह से सिल देंगे। ये देखिए सूज कंप्लीट हो गया है। अब इस जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, बटन, पम्पम या फिर फ्लावर। ये देखिए मेरे पास एक फ्लावर है, ये हम फ्लावर यहाँ पे स्टिच कर देंगे। हमारी वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए हमारे सूज रेडी हो गए हैं।
हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।